अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए बेबी फ्रॉक समर ड्रेस समर फ्रॉक ईद कलेक्शन लेकर आई हूँ। आपको ज़्यादातर लिटिल गर्ल्स छोटी छोटी सी बेबी यानी कि लिटल्स बेबी के लिए फ्रॉक दिखा रही हूँ, जिसमें आपको छोटे फ्रॉक डायपर कवर यानी कि ब्लूमर पेंटी जिसे बोलते हैं, ब्लूमर भी बोलते हैं, पेंटी भी, निकर भी, जांगिया भी, उसके साथ ही फ्रॉकों के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ दिखा रही हूँ, ताकि आपको लगे कि जो आपका फ्रॉक बेबी बनाए तो उसके साथ जो कपड़ा बच जाए आप इस तरह से पैंटी तैयार कर सकती हैं। ब्लूमर इसको बहुत ही प्यारे तरीके से, आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग भी किया जा सकता है। जिन लोगों को करना आता है उन्हें ये सभी आसान लगते हैं, और जिन्हें नहीं आता उन्हें तो ब्लूमर कटिंग करना भी बहुत मुश्किल लगता है। आपको अगर ये आज आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ से पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर टच कीजिएगा। उससे ये होगा आपको रोज़ की मेरी वीडियो का पता चलता रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था ना बेल आइकन टच की थी, जो अगर आज करें तो बहुत मेहरबानी, उनका पहले हिस्से में शुक्रिया अदा कर देती हूँ जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और उन लोगों का तो मैं रोज़ ही शुक्र अदा करती हूँ, शुक्रिया भी कहती हूँ बहुत बहुत, कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, शुरू से मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और प्यारी प्यारी दुआएं भी देते हैं, खुशी से बात भी करते हैं, और मेरे चैनल का आगे बढ़ाने में उनका बहुत साथ है। मैंने अपने लाइव चैट में कल 1 लाख सब्सक्राइबर होने के उस पर खुशी में आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया है, लेकिन कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं, कुछ नहीं आए। शायद सबको नहीं पता था कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो रात मैंने की थी लेकिन आप सब लोग साथ नहीं बैठे थे, तो इसलिए सबके कमेंट्स या रिप्लाई मैं नहीं कर सकी क्योंकि आए नहीं, जितने आए थे मैंने रिप्लाई कर दिए। जिन लोगों का पता चल रहा है वो मुझे मुबारक दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का ही, जो जो भी मुझे मुबारक दे रहे हैं, मेहरबानी आप सब लोगों की मेरा साथ देने में और मुझे आगे ले जाने में, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। और मज़ीद दुआओं के लिए फिर से कहती हूँ प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ या मेरा काम अच्छा लगता है तो। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपकी भी तमाम दुआएं कबूल हों और आप भी तरक्की करें बहुत ज़्यादा, जो जो आपका काम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।